भाव समाधि साधना में प्रवेश करने से पहले आप ध्यान के किसी भी आसन में बैठ जाइए। शरीर की सहज सुखद अवस्था, आनंद से परिपूर्ण अवस्था। दिव्यात्मन भाव समाधि साधना एक अलौकिक साधना है जिसे आप अपने आत्म स्वरूप का अनुभूति करने के लिए अपने हृदय में अपने परमिष्ठ को अनुभूत करने के लिए करते हैं। इस साधना में प्रवेश करने से पहले आप ईश्वर के जिस स्वरूप में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, परमात्मा के उन दिव्य स्वरूप का स्मरण करते हुए अपने आप को, अपने इस जीवन को कुछ देर के लिए अपने इष्ट को पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। आपका समर्पण पूर्ण आत्मिक रूप से होना चाहिए। समर्पण में कोई कमी नहीं होना चाहिए। अधिकांश होता है कि हम जब इष्ट को समर्पित करने का समय आता है अपने आप को अधूरा समर्पित करते हैं, पूर्ण रूप से हम अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते। यह ऐसा हो इसीलिए होता है कि अगर आपका भाव है पूर्ण समर्पण का, लेकिन कहीं न कहीं हमारे ये प्रकृति स्वभाव के कारण अधूरा रह जाता है। तो मैं यह चाहता हूं कि आपका समर्पण पूर्ण समर्पण हो, सर्वात्म समर्पण हो। समर्पण के बारे में कबीर दास जी लिखते हैं, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लगे है मेरा, कोई न वाचा मन से इंद्रिय वा बोध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव, करोमि यद्यंत सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति
समर्पयामि। पूर्ण रूप से आपने अपने आप को अपने प्रभु को सौंप दिया, और जब आपने अपने जीवन का बागडोर उस सर्वशक्तिमान घट घट व्यापी विश्व रूप को समर्पित कर ही दिया है, तो फिर इस जीवन के बारे में क्यों सोचना, इसके अधर बुंद में क्यों पड़ना। इस जीवन से जुड़ी हुई हर चिंताओं से आप अपने आप को पूर्ण रूप से मुक्त कर दीजिए, क्योंकि आपने अपने इस जीवन की बागडोर इस जीवन के मूल आधार को सौंप दिया है, जिसकी प्रेरणा से यह जीवन यह सृष्टि संचालित हो रही है। उस विश्व रूप सत्य चित्त आनंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को सौंप दिया है आपने, और जब हम ईश्वर को सौंप देते हैं फिर हमें अपने बारे में, अपने इस जीवन के बारे में और अपने इस जीवन से जुड़ी हुई किसी भी विषय के बारे में नहीं सोचना चाहिए। स्वभाव बस हम ऐसा करते हैं, लेकिन आपको उन स्वभाव से भी मुक्त हो जाना। दिव्यात्मन, अब आप भाव समाधि में प्रवेश करने से पहले हृदय से 3 बार ओम ध्वनि करते हुए शवासन की स्थिति में चले जाएंगे। दिव्यात्मन, अवभाव समाधि साधना में प्रवेश करने के लिए शवासन में लेट जाइए। शरीर के किसी भी स्तर पर कोई असहजता नहीं होना चाहिए। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला होना चाहिए और दोनों हाथों को आसमान की ओर खुला छोड़ दीजिए। पैर से लेकर सिर तक अपने पूरे इस भौतिक शरीर का निरीक्षण कीजिए। शरीर के किसी भी स्तर पर कोई असहजता है, किसी रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, मस्तिष्क में किसी विषय पर चिंतन चल रहा है, इन सब व्यवधानों को
अपने संकल्प शक्ति से दूर कर दीजिए। दिव्यात्मन, आपके संकल्प में अनंत शक्ति है, आपके संकल्प में ईश्वरीय शक्ति विराजमान है। यह समस्त सृष्टि ईश्वर के संकल्प से ही संचालित हो रहा है और यह आपका जीवन आपके संकल्प से संचालित हो रहा है। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, कोई विकार है, कोई रोग है, तो यह आपके संकल्प में कमी के कारण, अधूरे संकल्प के कारण ऐसा होता है। जब आप अपना जीवन संकल्पित होकर संकल्प शक्ति के आधार पर जीना प्रारंभ कर देते हैं, संकल्पित होकर जीना प्रारंभ कर देते हैं, उसी समय से यह जीवन आपके अनुसार बदलने लगता है। जैसा आप चाहते हैं आपके जीवन में ठीक वैसा ही घटित होता है, लेकिन प्रायः जीवन में आप जो चाहते हैं उस तरह से अपने संकल्प शक्ति का निर्माण नहीं कर पाते। हमेशा आप अधूरा संकल्प करते हैं, हमेशा आप अधूरा समर्पण करते हैं। ईश्वर को भी आप जिंदगी भर अधूरे तरीके से याद करते आए, इसीलिए उनका साक्षात्कार नहीं हो पाता। अधूरापन हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन चुका है। इस भाव समाधि के द्वारा, इस भाव समाधि के माध्यम से हम अपने जीवन के उन्हीं अधूरेपन को दूर करने का प्रयास करते हैं। और जब यह अधूरापन समाप्त हो जाता है तो हम भी पूर्ण हो जाते हैं, ईश्वर की तरह पूर्ण, ईश्वर की तरह आनंद से भरपूर, आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। हम उसी सत्चित आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, वही हमारा शाश्वत स्वभाव है, वही हमारी शाश्वत स्वरूप है, वही हमारी शाश्वत पहचान है। यह पहचान जो आपने क्रिएट किया है, यह आपके अधूरेपन के धरातल से प्रकट हुआ है, इसीलिए इसमें हमेशा व्यवधान रहती है, इसीलिए हमेशा इसमें कमी रहती है, इसीलिए इसमें हमेशा दुख दर्द शामिल रहता है। जब हमारा संकल्प पूर्ण होता है, जब हम पूर्ण संकल्प के साथ अपने जीवन को जीना प्रारंभ करते हैं, उसी समय से हमारा यह जीवन पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। फिर हमें किसी अन्य साधना की जरूरत नहीं पड़ती। दिव्यात्मन, आपका शरीर धरती मां की गोद में एक शव के समान पड़ा हुआ है।
बिल्कुल डेड बॉडी की तरह पड़ा हुआ है। शरीर के जर्रे जर्रे को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर खींचता जा रहा है। आप अनुभव कर रहे हैं, अपने इस भौतिक शरीर को धरती माँ के गोद में पूर्ण रूप से सौंप दीजिए। और इसके बारे में भी अब कोई आपको चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। धरती माँ हमारी आदि माँ, वे हमेशा हमारे साथ इसी स्वरूप में हमको अपनाती रही है। इससे पहले आप कई जीवन जी चुके हैं, कई जन्म धारण कर चुके हैं, कई शरीर धारण कर चुके हैं, और हर जन्मों में धरती माँ आपको अपने गोद में खिलाया है, अपने गोद में संभाल के रखा है, अपने गोद में आपको पनपने का शुभ अवसर दिया है, अपने गोद में आपको खिलने का अवसर दिया है। यह ऐसी माँ है जो हर जन्म में आपके जीवन को संवारती है, लेकिन जो माँ हमें जन्म देती है वह सिर्फ हमारे एक जीवन को ही संवारती है। इसलिए अपने इस शरीर को अपने शाश्वत माँ, जो हर समय हर जीवन में हर अवतार में आपके साथ रहा, अब आपको अपने शरीर के बारे में भी कोई चिंता नहीं कर। जब आप धरती माँ को पूर्ण रूप से अपने शरीर को सौंप देते हैं, धरती माँ आपके शरीर के सारे विकारों को हर लेती है और आपको एक निर्मल जीवन, एक जीवन शक्ति से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, समस्त उलझनों से मुक्त जीवन आपको सौंपती है। दिव्यात्मन, अब थोड़ा आप अपने इस जीवन के बारे में विचार कीजिए। दिव्यात्मन, आप यह शरीर नहीं है, यह आपका शरीर है। आप इस शरीर में निवास करते हैं। जो इस शरीर की गति है वो आपका गति नहीं है। यह शरीर प्रकृति के अधीन है। आप प्रकृति के समस्त बंधनों से पूर्णतः मुक्त है, शाश्वत है। आप शाश्वत सत्ता के प्रतीक हैं।
आप सत्चित आनंद स्वरूप, यही आपकी स्वाभाविक स्थिति है। जो अधूरे संकल्प और अज्ञानता के कारण आप इसे भूल चुके, इस भाव समाधि साधना के दौरान पुनः आप अपने आप को अपने उस सत्चित आनंद में, सत्चित आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करते। इसीलिए भाव समाधि साधना एक अलौकिक दिव्य आध्यात्मिक साधना जो आपको आपसे जोड़ती है, जो आपको उस परम सत्ता से, परम ऐश्वर्य से जोड़ती है, आपको अपने सहज स्वाभाविक स्वरूप से जोड़ती है, आपको अपने मूल स्वरूप से जोड़ती है। दिव्यात्मन, अब मैं शरीर के कुछ खास हिस्सों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। आप अपनी चेतना को वहां ले जाएंगे और अपने भाव जगत में ठीक वैसा ही अनुभव करेंगे। आपका दाहिना पैर दाहिने पैर का अंगूठा, उंगलियां, तलवा, घुटना, जांघ, पूरा पूरा दाहिना पैर शांत है, शिथिल है, भारी है, बहुत भारी हो गया है, जिसे आप हिला डुला नहीं सकते। आपका बाएं पैर का अंगूठा, उंगलियां, तलवा, घुटना, जांघ, पूरा पूरा बाएं पैर शांत है, शिथिल है, भारी है। बहुत भारी हो गया है, जिसे आप हिला डुला नहीं सकते। यह चेतना शून्य हो चुका है। धीरे धीरे इस शरीर में व्याप्त समस्त चेतनाओं को आप अपने आप में समेटते जा रहे हैं, और जैसे जैसे आपकी बिखरी हुई चेतना आप में समाहित होता जा रहा है, उस शरीर का वह हिस्सा जर्वत होता जा रहा है। आपका दाहिना हाथ, दाहिने हाथ का अंगूठा, उंगलियां, तलहथी, कलाई, बाजू, पूरा पूरा दाहिना हाथ शांत है, शिथिल है, भारी है,
बहुत भारी हो गया है। आप अनुभव कर रहे हैं, आप ऐसा चाहते भी हैं। आपका बाएं हाथ का अंगूठा, तलहटी, कलाई, बाजू, पूरा पूरा बायां हाथ शांत है, शिथिल है, भारी है। आपका बायां हाथ भी चेतना शून्य हो गया है। अपने बाएं हाथ में फैली हुई चेतना को आपने समेट लिया है। आपके शरीर का मध्य हिस्सा, पेट, पीठ, छाती, मेरुदंड, शांत है, शिथिल है, भारी है, बहुत भारी हो गया है। प्राण शून्य हो गया है, चेतना शून्य हो गया। आपके कंधे से ऊपर का क्षेत्र, आपका संपूर्ण गला क्षेत्र, गर्दन का क्षेत्र, आपका चेहरा, आपका सिर, आपके सिर के बाल, आपका मस्तिष्क, आपके मस्तिष्क की समस्त कार्य प्रणालियां, आपके दोनों नेत्र, आपके नासिका, आपके मुंह, आपके जीभ, आपके दांत, आपके दोनों कान, पूरा पूरा कंधे से ऊपर का क्षेत्र शांत है, शिथिल है, भारी है, बहुत भारी हो गया है। पैर से लेकर सिर तक आपका संपूर्ण शरीर शांत हो गया है, शिथिल हो गया है, जरबत हो गया। दिव्यात्मन, आपके शरीर के भीतर कुछ शक्ति केंद्र है जिसे योग की भाषा में हम चक्र के नाम से जानते हैं। अब आपके शरीर में स्थित मैं कुछ प्रमुख चक्रों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। आप अपनी चेतना को वहां ले जाएंगे और अपने भाव जगत में ठीक वैसा ही अनुभव करते चलेंगे। मूलाधार चक्र, आपके गुदा मार्ग के ठीक ऊपर सामने अवस्थित है। यह पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधि केंद्र है और इसकी पृष्ठभूमि
सूर्यमुखी के फूल जैसा पीला प्रकाश से प्रकाशित है, पीला प्रकाश आप अनुभव कर रहे हैं। इससे ठीक ऊपर आपके नाभि प्रदेश से ठीक नीचे स्वाधिष्ठान चक्र अवस्थित है। यह जल तत्व का प्रतिनिधि केंद्र है और इसकी पृष्ठभूमि दुधिया प्रकाश से प्रकाशित है। दुधिया प्रकाश मिल्की लाइट आप अनुभव कर रहे हैं। इससे ठीक ऊपर आपके नाभि प्रदेश के मध्य मणि चक्र मणिपुर चक्र अवस्थित है। यह अग्नि तत्व का प्रतिनिधि केंद्र है और इसकी पृष्ठभूमि सिंदूरी लाल प्रकाश से प्रकाशित है। सिंदूरी लाल प्रकाश भगवान भास्कर उदित होते समय जिस प्रकार के प्रकाश रश्मियों से विभूषित होते, ठीक वैसे ही दिव्य प्रकाश से प्रकाश हो रहा है आपका यह मणिपुर चक्र, आप अनुभव कर रहे हैं। इससे ठीक ऊपर आपके हृदय प्रदेश के मध्य अनाहत चक्र अवस्थित है। यह वायु तत्व का प्रतिनिधि केंद्र है और इसकी पृष्ठभूमि धुंधला प्रकाश से प्रकाशित है। धुंध की तरह प्रकाश आप अनुभव कर रहे हैं। इससे ठीक ऊपर आप के कंठ प्रदेश के मध्य कंठकूप के मध्य विशुद्धि चक्र अवस्थित है। यह आकाश तत्व का प्रतिनिधि केंद्र है और इसकी पृष्ठभूमि नील गगन की नीला प्रकाश से प्रकाशित है। नीला प्रकाश आप अनुभव कर रहे हैं। इससे ठीक ऊपर आपके ललाट के मध्य आपके भू मध्य में आज्ञा चक्र अवस्थित है। यह तत्व रहित केंद्र है और इसकी पृष्ठभूमि चांदी जैसा चमकता हुआ श्वेत प्रकाश से प्रकाशित है। इस प्रकाश में उष्मा नहीं है, यह चैतन्य प्रकाश है, दिव्य प्रकाश है, आत्मिक प्रकाश है। यह दिव्य प्रकाश रश्मियां आपके शरीर के जर्रे जर्रे में फैल रहा है और आपके शरीर के जर्रे जर्रे को ईश्वरीय तेज से भर रहा है। जैसे जैसे यह श्वेत प्रकाश रश्मियां
आपके शरीर में फैलता जा रहा है। आपका यह शरीर विकार मुक्त होता जा रहा, दिव्य होता जा रहा, आनंद से परिपूर्ण होता जा रहा। दिव्यात्मन इसे ठुक ऊपर आपके मस्तिष्क के ऊपरी भाग में सहस्त्रार है। इसे ब्रह्म द्वार के नाम से भी जानते हैं। इसे हम दसवां द्वार के नाम से भी जानते हैं। हमारे शरीर में 9 द्वार ऐसे हैं जो खुले हुए हैं। यह आध्यात्मिक द्वार है, परम चेतना का द्वार है। जब यह द्वार आपके साधना के परिणाम स्वरूप, आपके इष्ट की विशेष कृपा के परिणाम स्वरूप खुलता है, जागृत होता है, तो आप पूर्णतः उस परम चेतना में समाहित हो जाते हैं। इस द्वार के खुलते ही आप इस जीवन और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और आपकी चेतना सहज रूप से उस शाश्वत सत्ता में समाहित हो जाता है। दिव्यात्मन आपके सहस्त्रार में शिव का वास है, जो परम चेतना का पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रतीक है। खिले हुए सहस्त्र कमल पत्राक्षों पर योगीश्वर भगवान शिव का वास है और यह शिव परम चेतना का प्रतीक है। भगवान शिव की कृपा से ही, इन्हीं की प्रेरणा से ही आज मैं आपको यह भाव समाधि साधना करा रहा। मेरे जीवन में इनका बड़ा योगदान है, इनकी विशेष कृपा है और इस भाव समाधि साधना के दौरान जो कुछ मैं आपके हृदय में उतारता हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। जो कुछ मैंने भगवान शिव की विशेष कृपा से प्राप्त किया है, इनके आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त किया है, वही सब मैं आपके हृदय में उतारता हूं। इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। शिव हमारे परम इष्ट हैं और मैं इन्हें बहुत प्यार करता हूं। ये हमारे हृदय के सबसे नजदीक है। आपसे जुड़ने के लिए इन्होंने ही मुझे ऐसा सौभाग्य दिया है। इनके लिए मेरे हृदय में सहज ही प्रार्थना का भाव आ रहा है।
मैं वह प्रार्थना बोलने जा रहा हूं। आपको प्रार्थना बोलनी नहीं है, अपने आत्मिक स्तर से शिव के लिए ये हमारे इष्ट हैं। अगर कोई और आपके इष्ट हैं तो उनके लिए आपके अंतरात्मा से प्रार्थना के शब्द निकलने चाहिए और उनकी आत्मा तक पहुंचनी चाहिए, उनके हृदय तक पहुंचनी चाहिए। ऐसी निश्चल हृदय से मेरे साथ साथ प्रार्थना दुहराई। आपके प्रार्थना में शब्द नहीं होंगे, आपके प्रार्थना में सिर्फ भाव होगा। शब्द के माध्यम से हम भाव प्रकट करने का प्रयास करते, हृदय में प्रेम प्रकट करते, और उस प्रेम के डोर से आपको अपने परम इष्ट से बंध जाना है, जुड़ जाना है। आइए मेरे साथ हृदय से प्रार्थना दोहराई। पूजनीय प्रभु हमारे भाव निर्मल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को आत्मिक बल दीजिए, भावनाए मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाए पूर्ण होवे योग से नर नारी की, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदं नमं का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, प्रेम रस में मग्न हो कर वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रही, पूजनीय प्रभु हमारे भाव निर्मल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को आत्मिक बल दीजिए। आपने पुनः अपने इष्ट को समर्पित कर दिया है। अभी तक कोई विकार जो आप के शरीर में रह गया था, अब सारे विकार शिव की कृपा से इस प्रार्थना के माध्यम से दूर हो गया है। दिव्यात्मन, अब पूर्णतः आप निर्मल हो चुके हैं, दिव्य हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं, विकार मुक्त हो चुके हैं।
यह जीवन भी एक विकार है। जब आप अधूरे संकल्प के साथ जीते हैं, आप बिना इष्ट के कृपा के जीते हैं, बिना आप अपने जीवन में इष्ट को समाहित करते हुए जीते हैं, बेरुखी से जब आप यह जिंदगी जीते हैं, तो यह जिंदगी भी एक विकार हो जाता है। और जब इस इष्ट की कृपा से इष्ट को अपने जीवन में समाहित करके आप जिंदगी प्रारंभ करते हैं, तो यह जिंदगी जिंदगी बन जाता है। जीवन तो एक आध्यात्मिक सफर है, जिंदगी तो एक सुहाना सफर है, जो आपके अज्ञानता के कारण, आपके बेरुखीपन के कारण विकार मैं हो जाता है। दिव्यात्मन, आप समस्त विकारों से मुक्त हो जाओ। अब आप अपने शरीर को यही छोड़ दीजिए और चलिए मेरे साथ मैं हिमालय आपको लेकर चलना चाहता हूं। हिमालय का कैलाश क्षेत्र, जो शिव का परम क्षेत्र है, आज हम शिव के स्वरूप का दर्शन करने जा रहे हैं। शिव की प्रेरणा से आज यह भाव समाधि आप कर रहे हैं। आज हृदय में इच्छा है, भाव जागृत हो रहा है कि हिमालय चलकर शिव का ही दर्शन किया जाए। दिव्यात्मन, आप यह शरीर नहीं हैं, आप सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा हैं। अब आप अपने शरीर को ही छोड़ दीजिए और निकलिए बाहर और चलिए मेरे साथ। निरंतर साधना करने के बाद इस शरीर में भी वह क्षमता आ जाती है कि सशरीर भी आप कहीं जा सकते हैं। अगर आपने अपने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है, तो आप अपने शरीर के साथ भी मेरे साथ चल सकते। दिव्यात्मन, अब हम ठीक दिल्ली महाप्रदेश के ऊपर से गुजर रहे हैं। सुबह का समय, भगवान भास्कर उदित हो रहे हैं। भगवान अब हिमालय की तरफ संपूर्ण भारतवर्ष आपको दिखाई दे रहा है। प्रायः नदियों में जल स्तर भरा हुआ है, कहीं बाढ़ की स्थिति है, आप देख रहे हैं। हिमालय का क्षेत्र, हिमालय समस्त नदियों में भी पानी की तेज बहाव है, आप देख रहे हैं।
कुछ क्षेत्र में किसान धान के फसल लगा रहे हैं, कहीं लग चुके हैं जो काफी हरा भरा दिखता है। सामने यह हिमालय का क्षेत्र, पर्वतमालाएं, पर्वत चोटियां आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो सामने क्षेत्र दिखाई दे रहा है, सफेद की तरह ढका हुआ यह क्षेत्र, यही कैलाश क्षेत्र है। आइए नीचे उतरते। आराम से उतरिए। दूर दूर तक फैला यह दिव्य क्षेत्र आप देख, यह सिर्फ दिव्य क्षेत्र है। यही नीचे उतरिए। सुबह का समय है, भगवान भास्कर सीधे उनकी किरणें यहाँ तक आ रही है। ऐसे लग रहा है कि वह भी शिव को प्रणाम करने के लिए अपनी किरणों को यहाँ पर बिखेर रहे। बहुत ही दिव्य मौसम है यहाँ का, ठंडी ठंडी सुहावनी हवा चल रही है। यहाँ पर अत्यधिक अच्छा है, लेकिन आप रूप में हैं, सूक्ष्म स्वरूप में हैं, इस प्रकृति के समस्त प्रभाव से मुक्त हैं, इसीलिए आपको कोई चिंता नहीं करनी है। आइए यहीं पर हम लोग बैठते हैं और शिव का आवाहन करते हैं। यहाँ पर निरंतर दिव्य शक्तियां वास करती है। का एहसास आपको भी हो रहा है। यहाँ समस्त 84 योनियों के जीव शिव को नमन करने के लिए यहाँ आते हैं, उनकी ऊर्जा को अनुभव कीजिए। बहुत ही दिव्य क्षेत्र है, दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा से स्पंदित क्षेत्र है। योगी ऋषि समस्त देवताएं, समस्त दैवी शक्तियां यहाँ निवास करते, जिसका एहसास आपको हो रहा है, अनुभव कर रहे। यहीं पर ध्यान की स्थिति में बैठकर महाशिव का स्मरण कीजिए। अपने इष्ट का स्मरण कीजिए। अगर शिव के अलावे आपका कोई अपना इष्ट है, हर रूप में शिव ही प्रतिष्ठित है, लेकिन जिस भाव से शिव को आप भजते हैं, जिस रूप से शिव को आप भजते हैं, अपने उस इष्ट के स्वरूप का स्मरण कीजिए। अगर आपकी आस्था अल्लाह में है, ईश्वर में है, खुदा में है, या खुदा के जिस स्वरूप में है, अपने विश्वास और आस्था के अनुसार ही, अपने भक्ति के अनुरूप अपने इष्ट का स्मरण कीजिए।
और मुझे पूरा उम्मीद है आपके इस प्रेम पूर्वक भक्ति से रीछ कर आपका इष्ट आपको दर्शन देंगे। जब तक आप अपने परम इष्ट से मिलने की इस दिव्य प्रक्रिया में रहेंगे, प्रार्थना व्यक्तिगत होता है, तो इस मध्य मैं नहीं आना चाहता। जब तक आप विशेष इस दिव्य अवस्था में रहेंगे, तब तक के लिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। लेकिन इससे पहले आपको सचेत कर रहा हूं, आपको पुनः याद दिला रहा हूं कि इस विशेष स्वरूप में जब हृदय से आप अपने इष्ट को आभास देंगे, आपका हर एक शब्द आपके इष्ट तक पहुंचेगा, पहुंच रहा है, ऐसा मेरा अपनी अनुभूति है। कुछ देर के लिए अपनी चेतना को पूर्ण रूप से अपने परम इष्ट में समाहित कर दीजिए और उन्हीं के स्वरूप में अपने आप को प्रतिष्ठित कर दीजिए, एकाकार हो जाएगी। अपनी चेतना को इष्ट की चेतना में समाहित कर दीजिए। जब तक आप इस महासमाधि की अवस्था में विद्यमान रहेंगे, तब तक के लिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं।
दिव्यात्मन इस सूक्ष्म शरीर में ज्यादा देर तक हम यहाँ नहीं रह सकते, इसलिए अपने परमिष्ट को पुनः नमन कीजिए, उनसे अनुमति लीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, आपके जीवन के हर कदम पर ये आपके साथ रहें, आपके जीवन के हर गतिविधि में ये शामिल रहें, इसी आशीर्वाद के साथ, इसी दिव्य भाव के साथ अपने परम प्रभु को प्रणाम कीजिए और चलिए पुनः लौटते हैं दिल्ली महाप्रदेश, जहां आपका भौतिक शरीर पड़ा हुआ है। इस शरीर की अपनी जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों को भी आपको सहजतापूर्वक निर्वहन करना है, यह भी हमारा जीवन का ध्येय है। आपके इष्ट तो सर्वव्यापी हैं, घट घट व्यापी हैं, वो तो हर कण कण में वास करते हैं, और यह सारा अखिल ब्रह्मांड ही उन्हीं का स्वरूप है, तो इनके साथ तो हमारा सहज संयोग है। अज्ञानता बस हमें ऐसा लगता है कि ये हमसे अलग है, ये हमारा नहीं सुन रहे, या मैं कष्ट में हूं, यह सिर्फ अज्ञानतावश ऐसा प्रतीत होता है। यह तब प्रतीत होता है जब आप अपने जीवन में अपने इष्ट को, अपने प्रभु को शामिल नहीं करते, बेरुखीपन से जीवन जीते। पुनः प्रणाम कीजिए अपने इष्ट को, विदा लीजिए और सीधे ऊपर उठिए। देव्यात्मन, आप हिमालय के ऊपरी क्षेत्र से गुजर रहे हैं, दूर दूर तक फैला यह हिमालय का क्षेत्र दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा से स्पंदित है, अनुभव कर रहे हैं। इस समस्त क्षेत्र को प्रणाम कीजिए, और चलिए दिल्ली प्रदेश। हिमालय के क्षेत्र से आप ऊपर से गुजर रहे हैं, पूरा भारतवर्ष, चीन का क्षेत्र, नेपाल का क्षेत्र, भूटान का क्षेत्र, श्रीलंका का क्षेत्र, सारा क्षेत्र आपको यहां से दिखाई दे रहा है। पूरा भारतवर्ष यहां से आप देख रहे हैं, अपने इस मातृभूमि को भी प्रणाम कीजिए। अब आप दिल्ली महाप्रदेश के क्षेत्र में आ चुके हैं,
दूर दूर तक फैला यह दिल्ली प्रदेश, सुबह का समय अभी, यह का भी वातावरण बहुत ही मनोरम, सड़कों पर जिंदगी आप देख रहे हैं और आपका निवास क्षेत्र, और आपके निवास क्षेत्र में पड़ा आपका यह भौतिक शरीर, जैसा छोड़ चले थे ठीक वैसा ही आपका यह शरीर धरती माँ की गोद में पड़ा हुआ है। धरती माँ ने अभी तक इसे संभाल कर रखा है और आपके शरीर को विकार मुक्त कर दिया है। मैंने बताया था आपको, धरती माँ को तो हम विकार मुक्त शरीर सौंपते हैं, लेकिन वे हमें यह शरीर विकार मुक्त करके लौटाती, अपनी ममता से सराबोर कर लौटाती। आपका यह शरीर बिल्कुल विकार मुक्त हो चुका है, दिव्य हो चुका है, परम पवित्र हो चुका है। दिव्यात्मन पुनः अपनी चेतना को अपने शरीर में प्रवाहित कर दीजिए और अपने शरीर के रग रग को चैतन्य कर दीजिए। आपकी चेतना आपके शरीर में प्रवाहित हो चुकी है और आपके शरीर का जर्रा जर्रा चैतन्य हो चुका है। आपके शरीर का जर्रा जर्रा जीवन शक्ति से भर गया है, आपके आत्मिक तेज से भर गया है, आत्मिक चेतना से भर गया है। दिव्यात्मन लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़िए। लंबी गहरी श्वास लेना है और लंबी गहरी श्वास छोड़ना है। अब मैं ओम ध्वनि करने जा रहा हूं। मेरे ओम ध्वनि के साथ अपने श्वास प्रश्वास को जेरेंगे और अपने शरीर में महाप्राण का संचार करेंगे, अपने शरीर के रग रग में अपने आत्मिक चेतना का, जीवन शक्ति का एहसास करेंगे। दिव्यात्मन आपका शरीर पूर्णतः चैतन्य हो गया है। अब आप शरीर में अंगड़ाई नहीं लेंगे और सुखपूर्वक बड़े आराम से उठकर बैठ जाएंगे।
अब पुनः हृदय से तीन बार ओम ध्वनि करेंगे। अब मेरे पीछे पीछे प्रार्थना दोहराएंगे। आज ऐसा करते हैं, पीछे पीछे नहीं, मेरे साथ ही प्रार्थना दोहराएंगे। सेवोऽहम् 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 तारुं सितारुं में आभास जिसका चंदा व सूरज में आलोक जिसका वही आत्मा सच्चिदानंद में अमरात्मा परमात्मा सेवोऽहम् 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 जैसे शस्त्र काटे नग्नि जलावे बुझावे न पानी न मृत्यु मिटावे आत्मा सच्चिदानंद में अमर आत्मा परम आत्मा सेवोऽहम् 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 अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया वही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया वही आत्मा सच्चिदानंद में अमर
से वो हम से वो हम से वो हम जैसे शस्त्र काटे नागनी जलावे बुझावे न पानी न मृत्यु मिठावे वही आत्मा सच्चिदानंद से वो हम से वो हम से वो हम हरि ओम 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 तत्सत् पुनः अपने इष्ट को प्रणाम करते हुए अब आप इस भाव समाधि साधना से बाहर आ जाइए, समान अवस्था में आ जाइए, पूर्णतः जागृत अवस्था में आ जाइए, सहज स्वाभाविक अवस्था में लौट आइए। नमस्ते। रंजन जी, राजीव जी, सभी को अनम्यूट कर दीजिए अगर किसी